हिंदी सिनेमा की लवली दीपिका पादुकोण हमेशा ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ओपन रही हैं। वो हमेशा ही अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से बात करती हैं। हाल ही में दीपिका नेहा धूपिया के शो वो BFF 2 में गई थी। इस दौरान दीपिका ने काफी बातें की। वहीं दीपिका से नेहा ने पूछा कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिस पर उन्हें पछतावा है। इस पर दीपिका ने कहा कि उन्हें अक्षय कुमार के साथ आई फिल्म चांदनी चौक टू चाइना पर काफी अफसोस है। वो इस फिल्म को लेकर काफी हताश हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। फिल्म में दीपिका डबल रोल में थी। खैर, अब अक्की के साथ वाली इस फिल्म को करने से दीपिका को अफसोस है। हालांकि अक्की के साथ दीपिका फिल्म हाउसफुल में दिख चुकी है। हाल ही में वो फिल्म पद्मावत में नजर आई थी। फिल्म सुपरहिट रही थी। अब वो जल्द ही इरफान खान के साथ सपना दीदी में नजर आएंगी। इस फिल्म में दीपिका दूसरी बार इरफान खान के साथ काम कर रही हैं। इससे पहले वो और इरफान पीकू में काम कर चुके हैं। वहीं फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज के साथ उनकी ये पहली फिल्म है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।